हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो। सो आज मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी पूरे दिन की डाइट एंड सप्लीमेंट्स में क्या क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड आई थिंक मैं बाहर रहता हूँ रेंट पे, तो बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे जो बाहर रह रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं एंड वो कोशिश करते हैं अपनी फिजिक को मेंटेन करने की। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो आई नो टफ हो जाता है, बट ये एक मोटिवेशन वीडियो भी होगा कि आप कर सकते हैं। सो आज मैं शेयर करूंगा बहुत ज़्यादा, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको अगर ये वीडियो देख लेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा है प्रोटीन वगैरह, बट मेरी बॉडी वेट भी उस वे में है। मेरी पर्पज़ है, मैं एक महीने में मेरा नेशनल चैम्पियनशिप है, तो जब हम उस लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। बट आप आउट से थोड़े से कम में भी काम चला सकते हो। जब मेरा बजट कम था, अराउंड 2,000-2,500 रुपये महीना, तब भी मैंने एक अच्छी फिजिक ट्रांसफॉर्म कर रखी थी हॉस्टल के जिम में, तो तभी सप्लीमेंट्स ही नहीं ले रहा था मैं। आई थिंक बहुत मुश्किल से क्रॉप प्रोटीन कंज्यूम कर रहा था, 1200 रुपए का आता था, वो भी अभी थोड़ा महंगा हो गया। सो आई थिंक ये वीडियो एक मोटिवेशन पर्पज से भी रहेगा कि आपने गिव अप नहीं करना है। हो सकता है किसी की 2 साल में बने, आपकी 3-4 साल में बॉडी ट्रांसफॉर्म हो, बट एक ना एक दिन होना ही है अगर आप गेम छोड़ोगे नहीं, छोड़ के घर नहीं बैठ जाओगे और गिव अप नहीं करोगे। सो लेट्स गो, शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। सो गाइज, मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है एंड मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिससे सुबह मन नहीं करता उतना खाने। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत सुबह उठ रहा हूँ, अराउंड 8:30, बट मैं पहले 10-10:30 उठता था, तो उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे को भूख लगना शुरू होती है 12-1 बजे, मेरी बॉडी को वो आदत हो चुकी है, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा एनफ न्यूट्रिशन मैं ब्रेकफास्ट में ले लूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मील होती है। तो यहाँ पे 5 एग वाइट्स हैं, 2 एग योक है, मैं हर सुबह 2 अंडे का पीला योक कंज्यूम करता हूँ और ये अराउंड मेरे को 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन दे देता है। उसके साथ 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, 1 चम्मच पीनट बटर और गिन के 5 आलमंड्स हैं। यहाँ पे केचप थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डाल दिया, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा केचप मैं कंज्यूम करता हूँ, बट वो ज़्यादा गिर गया। यही है ब्रेकफास्ट और उसके साथ है 1 ग्लास दूध। आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, मेरे कोच ने मेरे को हर सुबह 1 ग्लास दूध पीने के लिए भी कहा है। सो जिसमें हेल्दी फैट्स हैं, प्रोटीन है एंड उसके साथ साथ आई थिंक कार्ब्स भी है ब्रेड में। सो यह एक बैलेंस मील आपको ब्रेकफास्ट में रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड करा है एंड इसके बाद मैं लूँगा, आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 1.5 स्कूप 1.5 स्कूप प्रोटीन, अराउंड 40 ग्राम प्रोटीन सीधा सीधा। सुबह सुबह आप जितनी अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन डाल सकते हो इंपॉर्टेंट है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चेंज होगी। अगर आप सुबह अच्छे से नहीं खाते हो तो प्लीज़ इसको चेंज करना, बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। आपकी बॉडी को सुबह प्रोटीन चाहिए, आपने रात भर से खाना नहीं खाया है, करीब करीब 10 घंटे हो गए एटलीस्ट आपकी बॉडी को फ्यूल मिले हुए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह मैं एटलीस्ट 50-60 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी में डालूँ। अगर आपका वेट कम है ऑब्वियसली आप 20-25-30 ग्राम प्रोटीन से भी काम चला सकते हो, मेरा वेट ज़्यादा है तो इसलिए मैं 50 ग्राम प्रोटीन सुबह ही कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, लंच में वन ऑफ माई फेवरेट खाना छोले चावल, एंड आपके घर में भी लंच के टाइम पे चावल बनते ही होंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपके घर में बस चावल एंड दाल को मिक्स करके आप कंज्यूम कर सकते हैं वर्कआउट, क्योंकि हम शाम में जाते हैं, मैं शाम में जाता हूँ वर्कआउट करने अराउंड 5-5:30 बजे, तो मैं लंच कर रहा हूँ 2-2:30 बजे, यहाँ पे मैं अच्छे खासे चावल खाता हूँ ताकि मेरा वर्कआउट जो 3-3.5 घंटे बाद है तो उसके लिए कार्ब्स अच्छे खासे मिल जाए। बहुत सॉर्टेड सिंपल सा, इसके साथ दही रहती है, आज नहीं है तो 100-150 ग्राम दही मैं एक पैकेट खरीद के भी ऐड करता हूँ इसके साथ। सो बेसिकली यही है, कभी कभी राजमा, कभी कभी छोले, कभी कभी कोई सब्जी रहती है, बस यही खाता हूँ मैं लंच में। अब मैं आपसे मिलूंगा अराउंड 4-4:30 बजे, मैं प्री वर्कआउट मील लूंगा जो जिम से सिर्फ 1 घंटा पहले वाला मील है उसमें। तो गाइज, लंच के बाद अनार का जूस, मैं ऐसे फ्रूट्स प्रेफर करता हूँ जो डाइजेशन में हेल्प करे, अनार, एप्पल और पपीता, ये तीनों डेली इंक्लूड करो अपनी डाइट में, बड़े इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स की भी डाइट में ऐड कराओ। सो गाइज, कुछ मेडिसिन लेने थे, विटामिन D3, मैग्नीशियम ग्लाइसिन और B12, ये ख़त्म हो गया था तो ये तीनों ले लिया। भाई खर्चा तो है पावर लिफ्टिंग में, अब यही अराउंड 1000 रुपये का है और ये मैंने लिया है जिससे कि ये सूख पाए। जो भी डेडलिफ्ट करता है उसे पता है कि कभी ना कभी उसे हुआ होगा डेडलिफ्ट में रॉड से हाथ छिल जाते हैं, तो वही वाली चीज़ हो गई है, बहुत दर्द हो रहा है और 1 हफ्ता डेडलिफ्ट नहीं हो पाएगा ऐसा सा लग रहा है, देखते हैं कब तक सही होता है। ऑल्सो गाइज, ब्रेकफास्ट के बाद मैं सारे जो अपने एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं वो लेता हूँ, तो बहुत सारे लोग छुपाते हैं कि वो बहुत सप्लीमेंट नहीं लेते, ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें एसेंशियल है तो मेरे को ये भी जो डाइट है उसमें शेयर करनी है कि मैंने सप्लीमेंट्स भी लेता हूँ काफ़ी। सो इसमें जॉइंट सपोर्ट है, मल्टीविटामिन है, फिश ऑयल है, B12 है, सिलाजीत है, तो ये सारी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, कैल्शियम एंड विटामिन D3 हैं, ये सारी चीज़ें हैं एंड इसको देख के एक कम्युनिटी होगी जो बोलेगी
अरे इतने सप्लीमेंट खा के बॉडी बना रहे हो, अरे इतनी चीज़ें खा रहे हो बॉडी बनाने के लिए। और एक जो कम्युनिटी होगी वो समझदारों की कम्युनिटी होगी, वो जो समझेगी ये चीज़ें बॉडी बनाने के लिए नहीं है, ये चीज़ें हमारे अंदर के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। विटामिन हैं, फिश ऑयल है हार्ट हेल्थ के लिए, विटामिन हम पूरी डाइट से नहीं कर सकते। कैल्शियम की कमी बहुत लोगों को हो जाती है, हड्डियों के लिए बड़ा काम आता है। सिलाजीत है बेटर मूड, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीज़ें एसेंशियल है। जिम जाओ या नहीं जाओ मेरे अकॉर्डिंग लेना चाहिए। सो ओल्ड एज में जाके फिर लेना शुरू कर देते जब प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, और शुरू से नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें मैं लेता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। लेट्स गो। अभी एक ही बार में खाने की आदत हो गई है। सो गाइज, अभी मुझे बनाना है प्री वर्कआउट मील, और मैंने जानबूझ के एक वेजिटेरियन मील रखी है ताकि बहुत सारे लोगों को ऐसा ना लगे कि नॉनवेज जरूरी है बॉडी बनाने के लिए। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है जिम जाने का, एंड जिम से 1 से 1.5 घंटे पहले मैं ये मील लेता हूँ। एंड एक और सजेशन है कि अगर आप जिम जाने से पहले 20-25 मिनट सो के जिम जा सकते हैं ना, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। बहुत रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं मैंने जहाँ पे ये दिखाया गया कि अगर आप 20-25 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करके जिम जाओगे बहुत क्रेजी डिफरेंस आता है। मैंने ये अपनाया है, एंड बहुत क्रेजी मतलब स्ट्रेंथ बहुत अलग फील होती है, थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होते हो ऑल दैट। और जो आज का प्री वर्कआउट मील है जिसमें 2 और 1 3 ब्रेड एंड उसके अंदर स्टफिंग है 150 ग्राम पनीर एंड थोड़े से आलू की। तो जो मेरे काब्स हैं आलू एंड ब्रेड है, और जो प्रोटीन है थोड़ा बहुत काब्स, पनीर में भी काब्स है और प्रोटीन भी पनीर से आएगा अराउंड 25 ग्राम। एंड थोड़े से फ्रूट्स मैं कंज्यूम करता हूँ, 1 एप्पल, 1 केला, और एक और केला मैं लूँगा जब मैं जिम एग्जैक्टली पहुँच जाऊँगा, जब मैं ट्रेनिंग शुरू करना वाला होऊंगा, 5-10 मिनट बचे होंगे तब एक और केला लूँगा। एंड उसके साथ साथ मैंने ये रखा है, आई थिंक जिम जाने से पहले इतना पानी तो आपको पी के जाना चाहिए, आधे एक घंटे पहले पूरा हाइड्रेटेड होके जिम पहुँचो एंड 1 बॉटल पानी कैरी करो। ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत फैंसी कोई सप्लीमेंट हो, पानी लो, 5-10 ग्राम ग्लूकोज डाल लो, बढ़िया टेस्ट भी करेगा एंड आपका जो सिंपल काब्स का काम है वो भी हो जाएगा। सो यही है प्री वर्कआउट मील, एंड इसके साथ कभी कभी ब्रेड अंडे भी रख लेता हूँ, चेंज करते रहता हूँ, एक डेफिनेट ज़रूरी नहीं है, बस प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए, कैलरीज पूरी हो जाए, बस यही 2 चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं। सो लेट्स गो, अब आपको बढ़िया ट्रेनिंग करके मिलता है। जिम जाने से पहले सारा डिनर का सामान ले लिया, 1 kg चावल लिया, चावल ख़त्म हो गया था, और 300 ग्राम चिकन बोनलेस, और 1 दही है जिससे मैरिनेट करूँगा चिकन को, और उसके साथ साथ 1 डार्क चॉकलेट है जो कि मैं डेली खाता हूँ थोड़ा थोड़ा। सो लेट्स गो। सो गाइस, बैक फ्रॉम द जिम, और जिम के बाद मैं खाता हूँ रात को डिनर में, मेरे को बहुत बढ़िया प्रोटीन मील चाहिए रात को। मैं कोशिश करता हूँ कि 80 ग्राम अराउंड प्रोटीन में हिट करूँ, तो उसके लिए एक ही बढ़िया चीज है, वो है चिकन ब्रेस्ट। ये 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट मैं मैरिनेट करके जिम से पहले जाता हूँ। एक ही दिक्कत है, जब आप अकेले रहते हो आप पे मम्मी का सपोर्ट नहीं है, जब घर पे रहता हूँ तो डिनर बना बनाया मिल जाता है, बट यहाँ थोड़ा काम करना पड़ता है। तो ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन है, अब इसको मैरिनेट किया मैंने दही में, 3-4 मसाले डाले हैं और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है, और 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है उसका प्रोटीन अराउंड 70 ग्राम निकलेगा, और जो दही है उसका अराउंड 8-9 ग्राम निकलेगा। तो ये करीब करीब मेरा 80 ग्राम प्रोटीन का यही एक मील हो जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती 30 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा, 40 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ायदा होता है अगर आप पूरे दिन आप डिवाइड करके खाओ, बट मेरा जो 95-96 kg बॉडी वेट है वहाँ पे ये एक मील मैं कंसिडर करता हूँ जिम के बाद एक बड़ा प्रोटीन का मील। सो लेट्स गो। इसको मेरे पे इंडक्शन नहीं है, मेरे पे कुकर नहीं है, और मेरे पे मतलब गैस नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट इसको बनाते हैं, लेट्स गो। सो अराउंड 11 बजे मेरा डिनर होता है। ये चिकन जो मैंने अभी बनाया वो है, उसके साथ चावल है, थोड़ा सा सॉस है, तो यही एक मील है। और इसके साथ साथ मैं अभी 2 सप्लीमेंट लेता हूँ। एक तो रहता है आपका मेलाटोनिन, वो ना डीप स्लीप के लिए काम आता है, नींद के लिए, बट वो रेगुलर नहीं लेना। जिस दिन मैं मतलब नींद नहीं आ रही है, प्री वर्कआउट ज़्यादा ले लिया ऐसा कुछ, या प्री वर्कआउट बहुत लेट लिया है, तो उस दिन मैं लेता हूँ। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो आपकी नींद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 6-7 घंटे अच्छी नींद मिल जाए ना, डीप स्लीप मिल जाए, तो अगली जो ट्रेनिंग है कल की वर्कआउट है वो अच्छी जाती है। एंड उसके साथ साथ एक अश्वगंधा का टैबलेट इस टाइम पे रात को मैं लेता हूँ। तो ये 2 सप्लीमेंट रात को सोने से पहले रहते हैं, बस इतना ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये हेल्प करेगा जो भी सप्लीमेंट मैं लेता हूँ, डाइट लेता हूँ, प्रोटीन इंटेक वगैरह, और आपको समझ आएगा कि क्या लाइफस्टाइल है, कितना जाता है एंड कितनी एफर्ट लगती है। सो बस एक दिन एफर्ट पे करता है, वो मेडल मिलता है, वो स्टेज पे लिफ्टें जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो लगती है, तो अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो,
ऐसी मेहनत करते रहेंगे। एक महीना बचा नेशनल के लिए, जहाँ पे पिछले साल बहुत बुरा गया था, इस साल हम कोशिश करेंगे पूरी मेहनत से उसको पूरा टर्न अराउंड करने की। लेट्स गो, थैंक यू सो मच।